डेट में शायद 22 मई या 22 मई को हम खत्म करेंगे. सो सो दैट इज द प्लान. शायद साहब ऑल योर्स. ठीक बस एक चीज शुरू में बता दीजिएगा लोगों को कि जब हमने इतना अच्छा टाइटल रखा था कि 10 गुड यूजर एक्सपीरियंस टिप्स, बड़ा मासूम सा टाइटल रखा था, तो जब आपने उसको एक बड़ा खतरनाक चेंज करवाया कि व्हाई यूजर एक्सपीरियंस कैन डिस्ट्रॉय स्टार्टअप्स बैड यूजर एक्सपीरियंस, तो जरा वो भी शुरू में बता दीजिएगा तो लोगों को जरा. जरूर खवातीन और ज़रात अस्सलाम वालेकुम. आज मैं अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. हमारे पास हैं आज इस पैनल पे खुशनूद कादिर जो फेसबुक पे हैं, काशिफ मलिक जो जैज़ में हैं, मुनीब वन बाइट, विकार अख्तर वो डे ब्लिंक के अंदर कंसल्टेंट हैं. तो टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि एक्चुअली मैं पैनल पे था, लेकिन असल पैनल मॉडरेटर जो थे वो डॉक्टर सुलेमान शाहिद थे. उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया तो वो नहीं आ सके, तो इस वजह से मैं इसको पैनल को मॉडरेट कर रहा हूँ. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पैनल जब ख़त्म होगा तो मरहूम के लिए फातिहा कहिए. रमज़ान का महीना है, उनको भी सवाब मिलेगा, आपको भी अजर मिलेगा. तो इसके साथ शुरू करते हैं. मैं काशिफ से कहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन कराएं आपके साथ. काशिफ काशिफ चलिए हम जंप करते हैं. खुशनूद आप अपना इंट्रोडक्शन करा लें प्लीज. मैं खुशनूद. आई थिंक आपने पहले कवर कर लिया था. मैं इस वक्त एक दो डिजाइन टीम्स सपोर्ट कर रहा हूँ फेसबुक पे. उससे पहले मैं खुद की प्रकिन में था फॉर अबाउट 6 साल के लिए. और उससे पहले एक्चुअली मैं नास्टी एमई कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था 2012 में. सो इट्स बिन अ वाइल्ड राइड और हर डॉट्स कनेक्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गए. ठीक मुनीब. अस्सलामुअलैकुम जी. मेरा नाम मुनीब है. मैं आई रन वन बाइट. आई बिन वन बाइट. असल में वी वर्क विद अ लॉट ऑफ यूएस स्टार्टअप्स व्हिच आर एट सीड और सीरीज ए स्टेज. वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो क्लाइंट्स आर मार्क क्यूबन कंपनीज. और ये मैं बाय बाय एजुकेशन है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम जीआई के. और पिछले 6-7 साल से वन बाइट ही रन कर रहा हूँ. ठीक शुक्रिया मुनीब. विकार आप बताइए अपने बारे में. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम वकार है और आई एम सीनियर कंसल्टेंट वर्किंग विद फॉर्च्यून 500 कंपनीज है. और मेरा बैकग्राउंड, आई एम इंडस्ट्रियल डिजाइनर, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज वेल. आई वर्क विद नोकिया फॉर ऑलमोस्ट 8 इयर्स एज हेड ऑफ यूजर एक्सपीरियंस. कॉमकास्ट एनबीसी के साथ काम किया है काफी. और क्रिएटिव लीड, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये मेरी फील्ड है. वी वर्क विद डिफरेंट कंसल्टेंट्स. ठीक शुक्रिया. काशिफ आप सर अपना इंट्रोडक्शन कराइए प्लीज. एवरीवन, आई होप एवरीवन कैन हियर मी. आई एम आवाज काशिफ मलिक. या मैं काशिफ मलिक हूँ और आई एम रिप्रेजेंटिंग जैज. मैं स्ट्रीम हेड हूँ कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन का और यूजेबिलिटी का जैज में. मोस्ट ऑफ माय करियर आई हैव स्पेंड इन टेलीकॉम्स अराउंड 14 odd years. और माई बैकग्राउंड इज अ बिट डिफरेंट. यहाँ पे ज्यादातर आई थिंक यू कैन नॉट कॉल मी अ ट्रू डिजाइनर बिकॉज आई हैव कम थ्रू द रैंक्स. आई स्टार्टेड माई करियर इन कस्टमर केयर. सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ मैं लेकिन इवेंचुअली आई थिंक आई हैड दिस पैशन फॉर सॉल्विंग इश्यूज फॉर द कस्टमर एंड दैट टुक मी प्लेसेस. आई थिंक बैक इन 2011-12 देर वॉज अ ट्रांजिशन जिसमें बेन एंड कोन ने एनपीएस वगैरह इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान में पहली दफा. एंड आई वॉज वर्किंग फॉर वन ऑफ द लीडिंग टेलकोस. देन वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. देन बैक इन 2012 हमने टेलको के लिए पहला यूजेबिलिटी लैब सेटअप किया पाकिस्तान में. एंड देन देर वॉज अ बिग ट्रांजिशन जब आई थिंक यू ऑल नो अहमद रियाज एंड फ्रॉग डिजाइन. वो उस वक्त फ्रॉग डिजाइन थे अहमद रियाज. सो आई वर्कड विद हिम ऑन वन ऑफ लाइक जीएसएमएस प्रोजेक्ट, मोबाइल एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट पे हमने काम किया था. And I think I got most of my coaching about design from there. So yeah, यहाँ पे जैस में very quickly काफी interesting हम design पे काम कर रहे हैं. Would love to share a few things about that. So a quick introduction.
शुक्रिया. मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं. मेरा नाम शाहिद खान है. मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूं. उसका नाम है SAP या SAP, और उसके साथ मैं NIC लाहौर में मेंटर हूं. पिछले 4 साल से मैं एक साल में 2 दफ़ा आता हूं और सबका दिमाग रिवायर करके जाता हूं और वो मुझे कभी नहीं भूलते. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. टॉपिक जो है कि खराब यूजर एक्सपीरियंस जो है वो स्टार्टअप को ढूंढ रहा हूँ कब से. फैसल साहब, हम भी नाश्ते के इंतजार में. तो मैं खुशनूद से शुरू करूंगा. खुशनूद, आप मुझे बताइए, आपके साथ कभी ऐसा तजर्बा हुआ है कि बैड एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस आपने लॉन्च किया या किसी को लॉन्च करते हुए देखा, या किसी और कंपनी की कहानी बताएं जिनका बैड यूजर एक्सपीरियंस था, इट प्रीटी मच डिस्ट्रॉयड द प्रोडक्ट इफ नॉट द कंपनी. सो आई लाइक टू स्टार्ट विद लाइक आप डिफाइन कैसे करते हैं राइट यूजर एक्सपीरियंस को. आप प्रॉब्लम पर स्कोप कैसे सेट कर रहे हैं. इन माय ओपिनियन, एनी बिजनेस जो कि अपने कस्टमर से जहां भी किसी भी पॉइंट पे इंटरैक्ट कर रही है, और फ्रॉम अ कस्टमर स्टैंड पॉइंट वो एक्सपीरियंस उनके लिए जैसा भी चल रहा है, चाहे वो फोन पे है कि चाहे वो स्क्रीन पे है कि चाहे वो हार्डवेयर डिवाइस पे है, इट शुड बी अ गुड एक्सपीरियंस. अगर उस लिहाज से अगर कोई कंपनी बैड कस्टमर सर्विस की वजह से भी डूब जाती है, या अगर कोई कंपनी, मुझे कोई मिसाल दे, मुझे कोई मिसाल हाइपोथेटिकल्स नहीं, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट हमने अपने जो सामेईन हैं उनको स्पेसिफिक एग्जांपल से सबक ज्यादा मिलेगा वर्सेस जनरलिटीज. श्योर, मैं उनको लाइक आई डोंट थिंक मैं स्पेसिफिकली कोई ऐसी स्टोरीज रिलेट कर सकता हूं जो कि जिसमें एक स्टार्टअप कंप्लीटली तबाह हो गई हो. आई एम प्रीटी श्योर के बहुत सारे रीजंस होते हैं फॉर अ स्टार्टअप टू एक्चुअली गो डाउन, बट आई कैन डेफिनेटली से के व्हेन वी जैसे व्हेन वी वर्किंग एट फेसबुक फॉर एग्जांपल, और इससे पहले हम कीपक में भी काम कर रहे थे, देयर इज समथिंग. जब आप कोई भी फीचर लॉन्च करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे फीचर्स पास में इस तरह लॉन्च किए हैं जो कि कभी भी कोई चीज व्हेन यू रिसर्च इट, you know, sometimes you could be off, sometimes you're on the dot. There's a lot of factors that go into it. There's, you know, a lot of metrics and a lot of qualitative user experience as well. So isliye itni zyada jab cheeze aapke samne jab from a decision standpoint padi hoti hain, so it's not always easy ki aap figure out kar sake, you know, which one is the right user experience to develop. So it's not easy to begin with. So I don't want to say ki, you know, main in company ko ब्लेम करना चाहता हूँ कि सिर्फ इनका यूजर एक्सपीरियंस खराब था इसी वजह से ये खत्म हो गए. बट एट द सेम टाइम यस, व्हेन फीचर्स गो आउट एंड एक्सपीरियंस इज नॉट बैड नॉट गुड, तो यू ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट बैकलैश. आप मेरा क्वेश्चन अवॉइड कर रहे हैं, बट दैट्स ओके, आई विल कम बैक टू यू. काशिफ आप बताएं, बैड यूजर एक्सपीरियंस आपके प्रोफेशनल करियर में. ओके, सो लाइक खुशनूद सेड आई गेस कि सबसे पहले तो हाउ डू यू डिफाइन बैड एक्सपीरियंस. सो मेरी नजर में बैड एक्सपीरियंस वो होता है जब ये जरा काशिफ दोबारा फ्रीज हो गए, तो मैं मुनीब की तरफ जाता हूँ. मुनीब, आप मुझे बताएं, आपका कोई देखा आपने बैड एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस किसी भी अरीना में, चाहे वो कस्टमर सर्विस में, चाहे ऐप में, चाहे वेब पे, चाहे टैक्सी में? काफी ज्यादा. सो मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत सी एग्जांपल्स रिलेट भी कर सकता हूँ. मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स वी हैव वर्क विद इन पाकिस्तान स्टार्टअप्स एंड अदर. सो वी ऑफन गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारा एक पूरा UI/UX डिपार्टमेंट वी हैव वन बाइट में, और हमारी अक्सर रिक्वेस्ट जो होती हैं ये दीज आर स्टार्टअप्स हु इनिशियली दे जस्ट बूटस्ट्रैप्ड और बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट की क्वालिटी और पुअर लुकिंग डिजाइन, पुअर लुकिंग एप्स और पुअर लुकिंग वेबसाइट्स, विच इज एक्चुअली ओके कि MVP में आप शायद इतना उसको फोकस नहीं करते, बट वंस यू हैव अ प्रोडक्ट मार्केट फिट थिंग, मोस्ट ऑफ स्टार्टअप्स कम बैक टू अस विद स्टेज टू लाइक वी वॉन्ट टू रीवैम्प, वी वॉन्ट टू डू अवर UX अगेन. एंड उनकी पूरी मोटिवेशन सिर्फ ये होती है कि दे आर लूजिंग कस्टमर्स टू बैड UX एंड बैड एक्सपीरियंस देन एनीथिंग एल्स. और
कुछ स्टार्टअप्स और कुछ कंपनीज ये काफी देर बाद रियलाइज करते हैं where they are at the brink of losing a big chunk of customers or even going down, but कुछ some realize very soon. अब इसमें there are few examples which I feel like as कि if you have a very nice looking experience or a very good experience that boosts the confidence of the customer at the first interaction with your product. If you have a very bad user experience, that is a very that sets the metric for the confidence. काफी कम आपका एतबार नहीं रहता. आप खुद ही देखें मेरी एग्जांपल एग्जांपल ले लें. मैं ऑनलाइन आजकल हर कोई ऑनलाइन सर्विसेज या ऑनलाइन डिलीवरीज करवा रहा होगा कीपिंग इन माइंड कि हम घर में बैठे हैं. What are your most trusted websites? Simple thing. Take your example. I would my most trusted websites are which also look good, right? जो कि अच्छी नहीं लगती, broken है, जिनका experience गंदा है, उनसे order करने से भी मैं घबराऊंगा क्योंकि मैं कहूँगा if they can't spend it on their website, obviously the customer service will be poor. So that is a natural relation और एक brain wave है मेरे पास जो कि which I do. Then if you do take all these surveys और जितने भी analytics companies हैं. आप गूगल सर्विस उठा लें, मिक्स पैनल के उठा लें, जितने भी सारे, दे से दैट दैट 50% ऑफ द विजिटर्स एक्चुअली क्लेम दैट इफ देयर इज अ नॉट इफ द वेबसाइट इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद द प्रॉपर मैसेज टू देम विद द प्रॉपर एक्सपीरियंस टू देम दे लीव. द टेंशंस आजकल की दुनिया में वैसे ही हर किसी का टेंशन स्पैन बहुत थोड़ा है, राइट. आई डोंट नो नंबर्स बट रिसर्चर्स एंड ऑल दिस यूएस पीपल से दैट It's less than 20 to 30 seconds where you have to make an impression before the user leaves your website or your app or anything else. Let's talk about mobile apps. Mobile apps market mein toh, if you have a very clunky, bad looking, bad experience, slow app, you'll never be able to anybody, you'll never have anybody return to it. You'll have zero retention because app market is already saturated. It's very, very saturated. Unless and until you're doing something very different, until and unless you're something providing a very good experience, जब तक आप ये नहीं अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देंगे अपने यूजर्स को, आपको यूजर ग्रोथ, यूजर रिटेंशन और यूजर लॉयल्टी कभी भी नहीं मिलेगी. सो दैट्स माई टेक ऑन इट. मैंने अपने अपने एक्सपीरियंस में बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम किया है. Not exactly just local startups, बल्कि USB जो कि इसां जो कि not sooner or later, but they come back and their only focus becomes then to revamp their product according to the new UI UX. और उसके पीछे की motivation ही सिर्फ ये होती है. They don't wanna lose more users because somebody is doing a better execution of that thing than them. ठीक. मैं आप सबको थोड़ा सा जिन से अभी मैंने पूछा नहीं, मैं दो मिसालें दे देता हूँ. एक कंपनी है ईबे में, उन्होंने एक रिच वेबसाइट लॉन्च की मेक्सिको में और इट वाज ह्यूजली सक्सेसफुल. उन्होंने कहा अच्छा यहाँ काम कर रही है. उन्होंने नेक्स्ट लॉन्च की उसको साउथ अफ्रीका एंड इट वाज अ डिजास्टर. व्हाई? मेक्सिको में डेटा प्लान इज ऑलमोस्ट वेरी चीप. साउथ अफ्रीका में डेटा प्लान इज वेरी एक्सपेंसिव. सो जब ये यूजर एक्सपीरियंस की बात होती है, ये यूआई यूएक्स नहीं है, दिस इज एंड टू एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्टार्ट इन द मिडल एंड एट द एंड. एक और दूसरी मिसाल इसी कंपनी ने, इन्होंने एक जर्मनी में लॉन्च किया कि जो बायर्स होते हैं उनके पैसे जो हैं वो एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे, जब डिलीवरी हो जाएगी फिर वो वेंडर को जाएंगे. They had to shut the service in 15 hours because it is illegal in Germany to have escrow. So I hope audience ko, it is not the UI and UX. It's not aesthetics. It is not drop-down menus. You have to look at the entirety of the experience. So Vikar, aap bataye aapke saath kya experiences jo galat kisam ke hue hain jis wajah se problems hain. It's very interesting. I agree with you. Main personal example de sakta apne projects ki where we have to work with the technology. Wo angle different hai kyunki wahan pe startups mein do examples de sakta hu. Do startups side by side. Ek startup kehti hum experience design banayenge, visual design banayenge jisme aapne abhi baat ki ki ha, fir usme baad mein technology dalenge. Right?
एक दूसरे स्टार्टअप है जो पहले एक टेक्नोलॉजी बना लेती है, कहते हैं यार एक्सपीरियंस बाद में डालेंगे, तो दोनों आप बाहर खड़े होकर दोनों देखें, दोनों खराब है। एक तो विजुअलाइजेशन है जो अब एज ए गुड डिजाइनर कैन मेक 101 डिजाइंस, और एक साइड पे यू हैव टू वर्क विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु कैन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। तो एक स्टार्टअप आई कैन बाय हैंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हमने साल डेढ़ लगा के उस पर टेक्नोलॉजी बनाई, यार एक्सपीरियंस बाद में देखेंगे, जब एक्सपीरियंस डालने का काम आया यार ये तो काम खराब हो गया, आप क्या करें, इसमें इतने वेरिएबल्स हैं, इतने फैक्टर्स हैं कि एक्सपीरियंस सही नहीं बन सकता। तो वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि क्या बैड है क्या सही नहीं है, दैट्स द काइंड ऑफ डिसीजन यू हैव टू मेक। और दूसरी साइड पे ऐसे कि आप विजुअल डिजाइन इतना अच्छा बना लेते हैं कि बाद में टेक्नोलॉजी उसमें डालना बहुत मुश्किल हो जाती है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड रिवर्स गियर लगाना पड़ता है बैड एक्सपीरियंस की तरफ, क्योंकि आप हर वेरिएबल उसके टिक मार्क नहीं कर सकते गुड एक्सपीरियंस के लिए, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एज 50% एक्सपीरियंस इन माई अंडरस्टैंडिंग इज कॉमन सेंस लिटरल यूजर एक्सपीरियंस, 50% इज व्हाट द यूजर नीड बिजनेस नीड और जितना भी है, तो आपको दोनों बैलेंस करने पड़ते हैं कि आप किस साइड पर, फंक्शनैलिटी चाहिए आपको ज्यादा उसकी प्रैक्टिकलिटी चाहिए, आप यू हैव टू पिवट। तो बैड एक्सपीरियंस आप लॉन्च कर सकते हैं या टाइम बड़ा पड़ा हुआ है, नाइस टू हैव है, मस्ट हैव है, आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं आप लॉन्च कर लें, यू हैव टाइम टू काइंड ऑफ इटरेट एंड मेक इट मोर प्रॉपर। मगर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि टेक्नोलॉजी बैलेंस इज नंबर वन, डिमांड क्या है टेक्नोलॉजी, इफ यू कैन बैलेंस द टेक्नोलॉजी आइदर वेब मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यस आईफोन डिडंट हैव अ ब्लूटूथ फॉर वन ईयर, इट वाज बैड एक्सपीरियंस, पर आईफोन वाज स्टिल सेलिंग एज अ न्यू प्रोडक्ट। तो अभी तक बग्स हैं, हर सॉफ्टवेयर में बग्स हैं, बट इट्स ऑलवेज अ टाइम टू वर्क विद द टेक्नोलॉजी टू मेक इट बेटर। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि टेक्नोलॉजी सक्स ऑन आईफोन एंड्रॉयड मोबाइल फोन की, जावास्क्रिप्ट नहीं काम कर रहा लेकिन बटन बड़ा खूबसूरत नजर आता है, कितनी बार बटन दबाएंगे आपको, एक दो बार, यू नॉट गोना कम बैक। सो आई थिंक यू हैव टू बैलेंस टेक्नोलॉजी फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स with like a design aspects of it, and then you are in the middle as an experienced designer. ठीक ठीक, तो काशिफ आपकी तरफ आते हैं, आप पहले सबसे मुझे ये पहले ही बताएं आप ये कौन सा प्लान यूज कर रहे हैं अपने इंटरनेट का? I think there are a lot of people calling me, तो मैंने उसको do not disturb पे नहीं डाला हुआ था, so sorry for that. So I was just जब मैं वहीं से जहाँ से मैंने छोड़ा है, I will come back to that के ये बहुत एक रिलेटिव सी टर्म है कि बैड एक्सपीरियंस होता क्या है। सो आई वाज टेलिंग यू कि मेरा जो 3 साल का बच्चा है, सो ही इज यूजिंग अ प्री स्कूल ऐप, और उसमें हर 2 मिनट बाद ना, बल्कि 2 मिनट बाद ही, व्हेनेवर यू एंड अ गेम, उसके बाद एक उस पे एड जो है वो एकदम करके पॉप अप आ जाता है। सो एक 3 साल के बच्चे को आप ऐप यूज करवा रहे हैं और उसके ऊपर एड्स इतने फ्रीक्वेंट आ रहे हो, सो दैट्स बैड एक्सपीरियंस। दूसरी चीज ये कि जिस तरह बाकी सब लोगों ने कहा कि वी हैव सर्टेन गाइडलाइंस, राइट, वी नो कि अगर किसी ऐप का इंटरफेस है वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर किस किस जगह पे क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, टास्क बार्स कहाँ पे होनी चाहिए, टैब बार्स कहाँ होनी चाहिए, लेकिन इन सबसे पहले एक चीज आती है जो आई थिंक दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द कंपनीज गेट इट रॉन्ग, वो है आपका कस्टमर। आपका कस्टमर कभी एक जैसा नहीं होता, राइट, आपके कस्टमर की कैपेबिलिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं। तो आप अगर पाकिस्तान, इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो ये बहुत ही मल्टी कल्चरल किस्म की आपका एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी भी ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप कहते हैं कि ये लिटरेट हैं, लेकिन आई थिंक द बेस्ट थिंग दे कैन डू अबाउट लिटरेसी इज दे कैन राइट देयर नेम्स। और आपको अपने जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं, तो शायद आपने उन लोगों को भी देखना होता है जो ट्रांसफॉर्म करके और चैनल से आपके डिजिटल, अगर आपने एप्स वगैरह बनाई है, तो उस तरफ आएंगे। सो आई थिंक बहुत ज्यादा कंपनीज गेट इट रॉन्ग व्हेन दे गेट द पर्सोना रॉन्ग। और उसके बाद आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट यूएक्स इज टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, राइट। सो इट्स गुड कि आप अपने, यानी इफ यू आर सिटिंग इन योर एयर कंडीशन रूम्स एंड यू कैन से के यार वी नो द यूजर, आई थिंक वो अहमद और हम जब काम का, अहमद रियाज जो मैं बात कर रहा हूँ उनकी, कि हम जब काम कर रहे थे वो एक वर्ड बहुत यूज करता है, किलिंग योर डार्लिंग्स। सो जब एक स्टार्टअप स्टार्ट हो रही होती है, स्टार्ट्स विद अ वेरी गुड आइडिया, बहुत ही एक यू नो
sometimes people feel that it's a billion dollar idea. Lekin baaz waqt reality check khud ko dene ke liye, I think the best thing you can do, formative or summative, dono usabilities pe bahut zyada extensively focus karne ki zarurat hoti hai. I think that's where people get it wrong generally. तो ये सब पैनल्स के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि जो करंट बैच है एनआईसी लाहौर में वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है एंड दे आर नॉट उनकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उसका यूएक्स और यूआई से कोई ताल्लुक नहीं है. तो मैं उसको इंक्लूसिव कर लेके मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ. एक काफ़ी साल पहले एक अमेरिकन कार कंपनी थी तो उन्होंने देखा कि इंडिया की मिडिल क्लास मार्केट जो है वो 300 मिलियन लोग तक पहुँच चुकी है. तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो उस मार्केट को सर्व करने के लिए उन्होंने ये किया कि एक $20,000 की कार जो अमेरिका में होती थी उसको स्ट्रिप डाउन किया और उसको $8,000 जो थे वो बना के उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया. 3 महीने के बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने 21 गाड़ियां बेची थी. फिर किसी को ख्याल आया कि ये हुआ क्या. एक स्ट्रिप डाउन फीचर जो उन्होंने किया कि जो ऑटोमेटिक विंडो कंट्रोल होता है वो उन्होंने ड्राइवर सीट से निकाल दिया और पैसेंजर सीट पे लगा दिया. ठीक है. और वो ये भूल गए क्योंकि उन्होंने यूजर रिसर्च नहीं की कि जो मिडिल क्लास इंडिया का $8,000 की गाड़ी ले सकता है उसके पास शोफर भी है. ठीक है. तो सॉरी, उन्होंने ऑटोमेटिक पैसेंजर से रिमूव किया. तो जब शोफर गाड़ी चला रहा है उसके पास तो ऑटोमेटिक विंडो है और जो ओनर है उसके पास ऑटोमेटिक विंडो नहीं है. अ ह्यूज मिस्टेक, अ मल्टी मिलियन डॉलर मिस्टेक, क्योंकि उन्होंने एंड यूजर एक्सपीरियंस से उस पर गौर नहीं किया. ठीक है. तो इस वजह से मैं इसको मल्टी डायमेंशनल करना चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि जो करंट बैच है लाहौर में उसमें काफी एजुकेशन की बेस पे हैं और वो नेसेसरी ऐप वगैरह बना रहे हैं. तो अगर आप बाकी उसमें कुछ सोचें कि इफ यू कैन गो बियॉन्ड एन ऐप और वेब प्रेजेंस, सो प्लीज थिंक अ लिटिल बिट ब्रॉडली ताकि हम इनकी हेल्प कर सकें. अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि आप एस्थेटिक्स में और फंक्शनैलिटी में कैसे बैलेंस करें. तो खुशनूद आप इस पे बताएं. आई थिंक दिस इट्सेल्फ ये जो इवन आई वुड लाइक टू से कि मेरी पिछला आंसर भी जो था या जो भी पैनलिस्ट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ चाहे यू UX लोग समझते हैं कि UI UX वैसे भी I don't like that term on its own because they are two very different things. User experience on its own it's a broad term or user interface आप लगा लें उसको UI के साइड के ऊपर it's very different. लेकिन coming back to your question के aesthetics और functionality को कैसे balance करना, I think this itself is a foundational design principle के आपने करना है एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी को बैलेंस. यू विल फाइंड दैट स्वीट स्पॉट और दैट इज लाइक समथिंग दैट यू हैव टू गो फॉर. देर आर अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स लाइक ऑफ कोर्स बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हुए यूज कर सकते हैं टू गेट दैट बैलेंस. एक मेरा थोड़ा सा अपोलॉजी इंटरप्शन. श्योर. कोई स्टार्टअप का फाउंडर या टीम जो है उनके पास ये एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो क्या करें, वो किसको जाके हायर करें, कैसा टैलेंट लें, तो ये पर्सपेक्टिव वो लेके आए. आई थिंक सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है कि यूजर एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है यूजर से. इट इज ऑल अबाउट द यूजर. सो अगर कोई भी स्टार्टअप का फाउंडर है या आप इंजीनियर भी हैं तो अगर आप बाहर जाके रिसर्च कर रहे हैं और अगर आप अपने कस्टमर को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना और आपने एग्जैक्टली वो नीड आंसर कर दिया, अगर आप अपने वेबसाइट पर जाके सिर्फ वो फील्ड भी डाल देंगे जो कि जरूरी होगी और बेशक उसका विजुअल डिजाइन इतना जबरदस्त ना हो. यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूएस में अगर आप एक पेन पॉइंट सॉल्व करें, जैसे एग्जांपल है उसकी क्रेग्सलिस्ट की. क्रेग्सलिस्ट इज एन एक्सट्रीमली पैथेटिक डिजाइन, राइट? लाइक एज अ डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू मैं जब भी उसको देखता हूँ मुझे उल्टी आ जाती है. लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वेबसाइट्स US में from a buying and selling standpoint. सर्विस वजह से कि वो पेन पॉइंट सही सॉल्व करते हैं, उन्होंने अपने यूजर्स को सही समझा हुआ है. और इस तरह की सैकड़ों और एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे डिजाइन सिर्फ इसकी मकसद नहीं होता कि आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करते हैं. हाँ, कहीं पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है प्रेजेंटेशन से. फॉर एग्जाम्पल Airbnb की सक्सेस स्टोरी को आप देख लें जो पहले इतना सक्सीड नहीं कर रहे थे बट आफ्टर
जिस वक्त उन्होंने कैसे जिस वक्त आप कोई होटलों का कितना इम्पैक्ट होता है मेरी सिलेक्शन चॉइस पे एंड दैट एक्चुअली रियली मैटर्स. तो उन्होंने जिस वक्त एज फाउंडर्स उन्होंने एक्चुअली अच्छी तस्वीरें और घरों को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया फ्रॉम अ रेटिंग स्टैंडपॉइंट. इट डिड मेक अ बिग डिफरेंस एंड नाउ देयर आर सिलिकॉन वैली यूनिकॉर्न. तो इट डिपेंड्स आप किस इंडस्ट्री में आप किस तरह फाउंडर्स हैं. By the way, सारे यूनिकॉर्न्स डिस्ट्रॉय हो गए पिछले दो महीनों में. सो दे आर नो लॉन्गर एनी यूनिकॉर्न्स. इट्स अ फैंटेसी राइट नाउ. तो विकार क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं एक मेरी स्टार्टअप है और मेरा एक कोफाउंडर है और मुझे हेल्प चाहिए और मैंने आपको अप्रोच किया किसी ने आपको मुझे रेफर किया तो आप सबसे पहले मुझसे क्या क्वेश्चन करें. Yeah, this is interesting question. मतलब कि कोई भी स्टार्टअप ले लें बड़ी छोटी जिस तरह भी है जब आप पहली रिक्वायरमेंट लिखते हैं ना एज ए यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन वहीं से शुरू हो जाता है एज ए से शुरू हो जाता है एज ए यूजर. दैट्स द प्रिंसिपल 101. मतलब कि आप कोई भी स्पेसिफिकेशन उठा लें स्टार्टअप उठा लें आइडिया उठा लें ब्रेनस्टॉर्मिंग उठा लें तो वहीं से आपका एक एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है. एक्सपीरियंस डिजाइन वहां से शुरू हो के कंज्यूमर के आने तक एक एक्सपीरियंस नहीं है. You can't create one line and say कि यही एक experience है मैंने ऐसी सोचा था और ऐसी पाया गया है आखिर में user के end तक. तो I can give an example product designing में product development में like service भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है. Sometimes you given a job कि आपने pencil sketch से शुरू करना है and you have to see the product in the user hand after 1 year. तो उसमें सबसे पहले वी हैव टू से एज अ यूजर करना क्या चाहते हैं क्या उसकी फंक्शनैलिटी क्या है उसके फीचर्स क्या है. फिर उसके बाद हम उसके यूएक्स टारगेट्स सेट करते हैं विच इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. आई कैन गिव एन एग्जांपल विच आई वर्क ऑन ऑलमोस्ट 8 साल तक. नोकिया इज द बेस्ट एग्जांपल. अदर कंपनीज बिग कंपनीज डू द सेम थिंग. दे हैव यूएक्स टारगेट्स कि सीमलेस कितना है डिलाइटफुल कितना है एफर्टलेस कितना है. उसको कहते हैं एस ई ओ डी उसके यूनिट्स है. सीमलेस है मतलब कि मैंने बटन पे क्लिक किया फंक्शनैलिटी उसको हेल्प कर रही है फंक्शनैलिटी जितना आप यूजर से छुपाएंगे उतना अच्छा है. देयर सम वेबसाइट सम एप्स सम सिस्टम सम इंटरेक्शन जो डेवलपर ने डेवलपर्स के लिए बनाए हुए हैं. डोंट गिव अ डैम अबाउट यूआई यूएक्स बट यूनिक्स की वर्ल्ड हो गया गिटहब पे 1000 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं. एक साइट पे ऐसा एक्सपीरियंस ही उसका सेल करता है ए एन बी ए बी हो गया गूगल का हो गया. उनको फंक्शनैलिटी नजर नहीं आती मगर उनका जो सीमलेस एफर्टलेस जो है ना इरादे से लेकर इटेंशन से लेकर मिशन टारगेट जो टास्क कंप्लीट तक इट्स ऑल सीमलेस. तो वो है. फिर अब आप यूएक्स टारगेट जब सेट करते हैं तो उससे पहले आपका आया था जी आप मैं एग्जांपल दे रहा था कि स्टार्टअप के लिए आप एक एक्सपीरियंस को उठा के जीरो से ओमेगा नहीं जा सकते. आप आइडिएशन में आपका एक एक्सपीरियंस है प्रोटोटाइपिंग में आपका एक एक्सपीरियंस होगा जब आप DevOps में काम करेंगे आपका एक और एक्सपीरियंस आएगा फिर आप Q&A क्वालिटी इंश्योरेंस में काम करेंगे और आएगा जब कंज्यूमर के पास जाएगा तो जो आपने शुरू में अंडा उबाला था वो ऑमलेट बन जाएगा उस वक्त तक. तो आपको हर लेवल पे डिफरेंट एक्सपीरियंस डिजाइन करना पड़ेगा. आप कह सकते हैं कि आपने एक उठाया और वो कंज्यूमर के पास चला गया. यू हैव टू अडॉप्ट यू हैव टू इवॉल्व एज सून एज द कंज्यूमर टच द सिस्टम वो दूसरी शक्ल इख्तियार कर जाएगा. आपके डिफरेंट KPIs हैं डिफरेंट टारगेट्स हैं. जब कंज्यूमर के पास जाएगा कहेगा यार ये तो मैंने उबला अंडा नहीं मांगा था ये तो मैंने कोई फ्राई अंडा मांगा था. तो यू हैव टू गो बैक एंड फिर फीचर फंक्शनैलिटी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है आपको. तो इसलिए आपको कंसिडर करते हैं बहुत सारे पार्ट्स. सो आई विल से राइट नाउ इन समरी के it's not one experience. It can be many variation of experience from zero to all the way jab consumer usko pakadta hai. Functionality helps you to get to the point. Functionality is not the core. Yes, as a startup, you can create a technology and be successful, or you can create an experience and be successful. You have to pick it up. Theek, shukriya. So, Manib, main jab se shuru hua, mere dimag mein abhi ek idea aaya. तो मैंने एक टेक्निकल फाउंडर भी ढूंढ लिया है लेकिन हमें पता नहीं करना क्या है और हमारे पास बजट जो है वो तकरीबन 1.5 लाख का है उससे ज्यादा नहीं है. और हमने जो पहला MVP कह लें जो लॉन्च करना है वो 3 महीने में करना है और हमें आप रिफर किए गए हैं. आप सबसे पहले हम दोनों से क्या पूछेंगे.
आपका हाँ आपकी मार्केट रिसर्च किया और आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट किया हुआ या नहीं किया हुआ, मतलब आपका जो आइडिया है, आइडिया इज नथिंग राइट, पैसे यू कैन रेज, इट ऑल मैटर्स दैट आपका टेक्निकल फाउंडर एंड यू, व्हाट वे डज योर रिसर्च लाई एट दिस पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू सी बिफोर आई जंप इन अ रिलेशनशिप विद यू. हमने कोई रिसर्च नहीं किया, हम आपके पास आए सब चीजों के लिए. ठीक है, तो ठीक है, फिर हम आइडिया लेते हैं, आइडिया को एक पेपर पर ड्रॉ करेंगे विच आर साइंसली कॉल्ड वायरफ्रेम. ठीक है, और ये सिर्फ उस ऐप का आइडिया नहीं होगा, वो डू द मार्केट रिसर्च एनालिसिस, कैसे ये काम पहले हुआ हुआ है, अगर हुआ हुआ है तो आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं. ठीक है जी, अगर पहले हुआ हुआ है हम कुछ डिफरेंट भी नहीं कर रहे, आप एग्जीक्यूशन कैसे बेहतर करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन, आइडिया हर किसी के पास आते रहते हैं, एग्जीक्यूशन इज दैट व्हाट मैटर्स, और एग्जीक्यूशन की बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है जी, व्हाट डिफरेंशिएट्स यू एंड योर फाउंडर एट दिस पॉइंट दैट यू आर द बेटर, यू आर द पीपल हु कैन एग्जीक्यूट इट बेटर, व्हाट आर दोस स्किल्स राइट. ये सारे एनालिसिस के बाद इफ द कॉमन आंसर इज दैट दिस कैन वर्क देन ऑब्वियसली देन आई वुड एडवाइज यू वेरी फ्रैंकली कि ठीक है करते हैं और करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर भी एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन होगा कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट. Because there's somebody else who has done it. There's somebody else who has better executed it. There's somebody else who has a better chance of succeeding or is succeeding right now than you can ever. So then let's just drop this idea and go to another idea, right? चलें मैं आपको एक दूसरा constraint देता हूँ कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास already 500,000 लोग जो हैं वो ये चीज खरीदने को तैयार. जबरदस्त. अब आपके पास already 500,000 चीज लोग, इसका मतलब ये कि आपके पास User है, right? And that's amazing. मेरा मैंने आपके पास लोग खरीदने के लिए. अच्छा ठीक. आइडिया इतना उनको खूबसूरती से बयान किया है कि वो सिड्यूस्ड हो गए. उन्होंने कहा जब भी आप बनाएंगे हम खरीदेंगे. तो आपने थोड़ा सा हिंट किया है, आपने कहा है कि पहली चीज आप आइडिया सुन के वायर फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद वायर फ्रेम. ठीक है जी, सो आपने एक किस्म का एनालिसिस कर लिया कि आपके पास लोग हैं जो इस चीज को खरीदेंगे. अब बात एग्जीक्यूशन की है कि आप उसको एग्जीक्यूट कितनी अच्छी तरह कर पाते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे किस तरह उतर पाते हैं, जिन लोगों को आप ये चीज बेच के हैं, द वन पीपल यू हैव सोल्ड दिस आइडिया. सो मेरा पहला पॉइंट ये होगा, लेट्स बैक टू बेयर बोन्स. आप पेपर लें, स्टार्ट चॉकिंग आउट योर थिंग्स, स्टार्ट ड्रॉइंग वर्ड फ्रेम्स. देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, व्हाट यू कैन रियली डू इज टेक हेल्प फ्रॉम ऑल दिस यूएस एक्सपर्ट्स. यूएस एक्सपर्ट्स डजंट हैव टू बी अ फ्रीलांसर और एन इंडिविजुअल और एन एजेंसी और एनीथिंग. देयर आर मेनी पीपल आउट देयर, यू कैन रीच आउट फॉर हेल्प. वो आपके लिए शायद काम ना करके दें लेकिन आपको एडवाइस तो कर सकते हैं, राइट. आप अपने आप में सिर्फ वाइफ्रेंड्स बनाए और उनको दिखाएं कि दिस इज समथिंग आई एम डूइंग, व्हाट दिस वर्क और नॉट, व्हाट आर द टिप्स. आइटरेट अ लॉट इवन बिफोर यू स्टार्ट बिल्डिंग एनीथिंग. अपने वाइफ्रेंड्स को लोगों को दिखाएं, अपने जस्ट लाइव वायरफ्रेम्स. ठीक है, आइट्रेट टूवर्ड्स इट. आइट्रेट का मतलब ये कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन से तीसरे वर्जन पर जाएं, व्हाट वर्क्स बेटर. कॉपी व्हाट वर्क्स. अगर देखें अगेन, यू डोंट हैव टू री इंजीनियर एवरीथिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर बिल्ट आउट देयर. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनीज. जैसा विकार ने बात की कि कॉपी व्हाट वर्क्स, राइट. Take it, take out what works. People have done researches, people have done articles, people have published their research papers on a lot of things, right? अगर आप एक आईफोन ऐप बना रहे हैं और आप कहते हैं नहीं मैंने स्वाइप लेफ्ट से इतना मेन्यू खोलना है, बाकी सारी दुनिया स्वाइप राइट से खोलती है, सो क्लियरली यू स्टूपिड, राइट. सो डोंट डू दोज स्टूपिड मिस्टेक्स विच आर ऑब्वियस स्टूपिड मिस्टेक्स. मेक इट वेरी सिंपल. योर MVP जस्ट नीड्स टू फुलफिल द टॉप 3 बेयरबोन रिक्वेस्ट विच यू हैव सोल्ड. आपने शायद 10 चीजें अगर बेचनी है, आप पहली 2 तो बेच के दिखाएं उस MVP से, राइट. जिस तरह पहली वो 2 चीजें बेचें, उस MVP को बिल्ड करें, उस यूजर को पे करने दें. आपको आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं, आपका प्रोडक्ट कितने पानी में है, हाउ यू कैन गो फ्रॉम देयर एंड व्हाट द फीडबैक है. सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपने कहा कि मैंने 500,000 लोगों को बेचा है, वो 500,000 लोगों का 1,000,000 फीडबैक आएगा. टेक दैट फीडबैक, इनकॉर्पोरेट इन योर प्रोडक्ट, देन गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड देन गो. सो ये आइट्रेशन जो है, अक्सर लोग भूल जाते हैं वो टेक्नोलॉजी को और किसी भी अपनी कंपनी में, जैसे आपने कहा मोस्ट ऑफ द ये जो बैच है इनका शायद ऐप रिलेटेड इतना टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स नहीं है, वो लोग भूल जाते हैं वो टेक्नोलॉजी इज नॉट अ कोर प्रोडक्ट इन दीज केसेस. इट्स एन एनेबलर. इट्स गोना काउंट फॉर दैट 20-30% ऑफ द फैक्टर.
the other thing, the whole other else is your how your operation is set up, how your customer service is set up, how your delivery of the service or the product is set up. Ye sara kuch. So if technology is the enabler or jis tarah we speed up in this world, आपको उसको reiterate करना ही करना है, उसमें updates आनी ही आनी है, उसे उसके execution बेहतर करनी ही करनी है. So don't just think of the app. If your startup is not just the app and the service, which is a technology service, think beyond the app. और अगर आपके पास, अगर आप लोगों को पहले ही idea भेज चुके हैं, तो execution पे focus करें, क्योंकि you have a very clear metric जो आपने constraint लगा दिए कि लोग खरीदने को तैयार हैं. अब डिपेंड करता है कि आप उनकी जेब में से पैसे कैसे निकाल सकते हैं. उन सबको पहले मैंने भंग पिलाई थी ना. तो काशिफ, आपसे दो सवाल है. ये जो मुनीब ने कहा है कि एक कॉन्सेप्ट है कि मेंटली स्टार्टअप जो है वो तैयार हो कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये इटरेटिव है, एक चीज बना के नहीं होगा. तो इस चीज को समझाने के लिए किसी फाउंडर को, अगर हम उनको मेजर करें उनकी लिसनिंग स्किल्स पे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, लिसनिंग स्किल्स पे, तो आप क्या कहेंगे उनकी स्किल कौन से लेवल पे होनी चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन. यू आर टॉकिंग अबाउट द लिसनिंग स्किल्स ऑफ द फाउंडर्स. द फाउंडर्स, द फाउंडर्स. ओके, सो आई थिंक होनी तो टॉप नॉच चाहिए, लेकिन आई थिंक कम होती हैं. एंड द फैक्ट के उसकी रीजन ये होती है कि जनरली जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि यू स्टार्ट विद एन आइडिया एंड यू बिलीव इन योर आइडियाज, कि भाई बहुत जबरदस्त आइडिया है, यानी आप बड़ा पैशनेट होते हैं उसके बारे में. तो जब कोई उस आइडिया के बारे में कोई क्रिटिक्स करता है ना, तो बड़ी बड़ी दिल पे लगती है आपको. सो बड़ी पेशेंस चाहिए, आई थिंक बहुत ज्यादा पेशेंस होने की जरूरत है. और जिस तरह मुनीब कह रहा था और आपने भी बोला कि आपको अक्सर लोग आके ये बोल देते हैं कि वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, या हम यूज करेंगे, हम यूजर बनने को तैयार है और बड़ा ब्रिलियंट आइडिया. लेकिन आपको कभी भी अजम्पशंस के ऊपर ना अपने कैसल्स बिल्ड नहीं करना है. सो दैट्स द फर्स्ट लेसन एज अ यूएक्स एक्सपर्ट. और ना आपने किसी को ये चीज अंडरस्टैंड करवाने की ऐसा होता है. You have to stay very, very, very practical in everything what you do. हम जिस क्वालिटेटिव रिसर्च के जो लोग होते हैं ना, उनमें एक बड़े मजे की चीज ये होती है कि हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का एक रूल है कि 5 to 10 यूजर्स कैन गिव यू 80% ऑफ द इनसाइट. ये बड़ा हमारा एक रूल है. लेकिन उसके बाद जो बाकी 20% होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी के 10 लोग आप लेके आएंगे वो आपको 20% इनसाइट दे देंगे. That is the toughest insight to get from the market. 80% जो basic है, यानी अगर आप एक चीज design कर रहे हैं तो उसके दो elements हैं, clear. एक है functional, एक है aesthetic. So I think aesthetic element is what meets the eye. और बहुत ज्यादा मुझे जो youngsters जिनसे मैं मिलता हूँ, क्योंकि मेरे I am leading a team of designers, तो मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे मजे के लोग लम से भी हैं और नस्ट के इंडस्ट्रियल डिजाइन के वहां से भी, स्कूल से भी हैं. एंड दे आर वेरी पैशनेट और वो बहुत ही मजे की खूबसूरत चीजें बनाते हैं. सो दे आर रियली गुड विद व्हाटएवर दे डू. लेकिन आई थिंक सम टाइम्स जब आप एस्थेटिक्स पे इतने ज्यादा फोकस्ड होते हैं, यू गेट कैरिड अवे विद द फंक्शनल डिजाइन. अगर आपका फंक्शनल डिजाइन अच्छा है, तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग कि वो वर्क करे. जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, चाहे एमवीपी बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, दैट नीड्स टू वर्क फर्स्ट. और उसके बाद आप जब उसकी समेटिव यूजिबिलिटी के अंदर जाते हैं, व्हेन यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग इट विद कंपेटिटर्स, वहां पे फिर वो एलिमेंट आएगा कि आपकी वो चीज बाकियों से कितनी अच्छी है. सो आई थिंक एक्टिव लिसनिंग और आप क्या अपनी क्रिटिक्स लेने को तैयार हैं अपने आइडिया के बारे में, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल. सो दैट्स फर्स्ट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड वाला, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू, जो आपने सेकेंड वाली बात पूछी थी. एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया. चेंज ये है कि मैंने और मेरे कोफाउंडर ने, क्योंकि हमारे पास वो स्किल्स है नहीं, मैंने आपको और मुनीब को हायर कर लिया. तो आपने अपना गिग किया, जो भी आपने करना था. तो 4 हफ्ते के बाद आए, आपने अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया. और सिंस मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मैंने कहा यार ऐसे कोई गल ही नहीं बनी,
अकेला के आके आप ये चीज कैसे हैंडल करेंगे? अच्छा वैसे जनरली क्योंकि मैं आई वर्क इन टेलकोस एंड आई थिंक आप सबको पता है कि पाकिस्तान में लाइक टेलकोस कंबाइन अगर आप देखेंगे तो अराउंड मोर देन 10 to 15 billion dollars की इन्वेस्टमेंट है टेलकोस की, और वहां पे थोड़ा ब्यूरोक्रेसी की लेयर जनरली होती है, दैट्स द वे द हायरार्की वर्क्स इन टेलकोस। अगर आप और कुछ मैंने एज अ कंसल्टेंट प्रोजेक्ट्स किए तो मैं उधर बता देता हूँ, एज अ कंसल्टेंट अगर आप किसी के लिए काम करें और आपको चीज लेके जाते हैं तो क्या होता है? आई थिंक अगर तो आप एज अ कंसल्टेंट किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो उसका ये होगा यार मैंने पैसे पे कर रहे हैं तो मैंने तो काम पूरा चाहिए किता की है, ऐ तो एक घंटे का भी काम नहीं ऐ करके ले आया है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जिस तरह हमने कहा ना बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी होती हैं पहले से ही, थिंग्स आर देयर, वायर फ्रेम्स भी, अगर कोई चीज पहले से पड़ी हुई है ना तो बहुत सारे लोग री इन्वेंट नहीं करते, उसी को लाते हैं उसको थोड़ा स्लाइट मॉडिफाई करते हैं एंड यू कैन वर्क विद द वायर फ्रेम्स एंड इवन वायर फ्लोज के ऊपर भी आप उस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन देन अगेन आप जो भी काम कर रहे हैं आई थिंक जो रियलिटी चेक है वो ये है कि आप यूजर, मैं अगर मुझे कोई हायर करता है तो सबसे पहले तो मैं कभी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ही नहीं होऊंगा जिसको मैं क्रिटिक नहीं कर पाऊंगा। इफ आई एम क्रिटिकिंग समथिंग और मैं क्रिटिक कर रहा हूं और वो अगले बंदे उसको ले ही नहीं पा रहे तो आई थिंक मैं तो वहीं पे पीछे हट जाऊं, और अगर वो उसको ले पा रहे हैं तो आई थिंक देन इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। हमारी कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ अभी तो हमारे जो मैनेजमेंट है ना दे आर वेरी इनटू डिजाइन। फॉर एग्जांपल हम तो डिजाइन को आई ट्रैकिंग, हमने दो फैसिलिटीज बनाई हैं इस वक्त जैस में, वन फैसिलिटी इज इन NIC इस्लामाबाद जो हमने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई और हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं एंड वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट आई ट्रैकिंग देयर। हमारी जो लाहौर में एम्पथी लैब के नाम से फैसिलिटी है वहां पे भी हमारे पास बहुत मजे के गैजेट्स हैं। सो हम उसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ चीजों को लेके जाते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड आई थिंक डेविल इज इन द डिटेल। आपको यूजर को फ्रॉम द पॉइंट जीरो, जैसे पहले विकार ने भी बोला है कि पॉइंट जीरो से UX शुरू होता है एंड इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अगर किसी के एज अ कंसल्टेंट भी काम करूंगा तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ही शुड नॉट फील दैट आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द UX, इट्स द एंटायर टीम दैट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक ठीक शुक्रिया खुशनूद, आपके लिए सवाल है और अगर आप इसका जवाब देना चाहें दें, अगर नहीं देना चाहें तो आप इसको पास कर सकते हैं। आपके पिछले गिग में आप लोगों ने एक बड़ी रिसर्च सब कुछ करके प्रेजेंट आपने किया कॉन्सेप्ट अपनी हाईएस्ट लीडरशिप को, और उस लीडरशिप का नाम होता है हिपो, पर्सन विद द हाईएस्ट टाइटल एंड द हाईएस्ट पेचेक। कभी ऐसा हुआ है कि आप उनके पास गए और उन्होंने कहा कि What is this crap? I don't like this button here. अगर हुआ है, आपने कैसे उसको हैंडल किया? Sure. हम लोग इसको कहते हैं executive swoop and poop. So कोई भी executive कहीं से उड़ता हुआ आता है और they just poop all over your work and just fly away and they ruin nothing helpful, right? उसके बाद आप रह जाते हैं वैसे कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ ना? You don't understand इसके बाद क्या होता है? I think there's a couple things to it. Number one के with experience and while building your product you realize ke aapki you know aapki company mein culture kaisa hai, ya to wo executive aapse wo baat kuch wajahon se kar raha hoga, right? Ya to aapka culture hi aisa hai ki wo company does not give a shit about user experience aur wo kehte hain ki nahi bahar mein jaye users, us case mein aap as a designer us company mein kyun kaam kar rahe hain, I don't know, but at the same time lekin for example agar मेरा सीईओ मुझे आके लाइक ये कहता है कि यू नो दिस ये चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, देयर इज ऑलवेज एविडेंस, राइट? हमने वी आर हायर्ड एज टीम्स किसी भी बिजनेस में बिकॉज वी आर द एक्सपर्ट्स इन आवर फील्ड। अगर हमारा सीईओ या कोई भी और हमसे बेहतर डिजाइन कर सकता होता, और उसकी वजह ये कि बेहतर डिजाइन आप प्रूव कैसे करते हो, राइट? आप एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज को, जैसे कोई बंदा आगे कहता है मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा है, उसको आप प्रूव कैसे कहते हो कि ये अच्छा है? एंड दैट इज द पॉइंट के आप उसको आराम से सिर्फ मेट्रिक्स या सिर्फ यूजर रिसर्च या वो उन चीजों से यू जस्ट टर्न दैट आर्ग्यूमेंट रियली क्वाइटली इन अनदर डायरेक्शन। आप यू कैन विन एंड लूज सम बैटल्स, उसमें काफी चीजें आगे पीछे होती रहती हैं, यू नो इट्स पॉलिटिक्स, आगे बिजनेस में भी ऊपर नीचे चीजें होती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने सीईओ के सामने बैठे हो वो आपको कह रहे हैं कि यार ये
ये रेड नहीं, ये मुझे ना इस तरह अपने फेवर में, मतलब मैंने घर में मेरी बेटी के फ्रॉक की जो कलर है ना, मुझे उसका चाहिए अपनी वेबसाइट का हेडर, उसके अलावा ना मुझे कोई नहीं अच्छा कलर लगता। आप उसको सिंपल बता सकते हैं कि सर हमने 2 बंदों को 10 बंदों को दिखाया था ये, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि हमें दूसरा कलर अच्छा लगा, तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट चले या नहीं चले? तो इट्स सिंपल आर्ग्यूमेंट लाइक दैट, राइट? लाइक इफ दे केयर अबाउट देयर बिजनेस एंड आई डोंट वांट इट टू गो डाउन, तो वो क्यों करेंगे, वो अपने पांव पे कुल्हाड़ा क्यों मारेंगे? मैं आप सबसे अपोलोजाइज करता हूँ, एज अ मॉडरेटर आई शुड बी पुटिंग माय थिंग्स इन देयर, लेकिन आई कैंट रेजिस्ट दिस टाइम। एक तो ये मैंने चैट विंडो में सारे समय के लिए एक किताब का नाम डाला है, उसका नाम है डोंट मेक मी थिंक। मोटी किताब नहीं है, खुदा के वास्ते उसको जाके पढ़ें, उसमें आपको इतनी, और ये बुक नई नहीं है, तकरीबन 20-25 साल पुरानी है, उसके प्रिंसिपल जो है अभी भी अप्लाई होते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए जिस तरह काशिफ और खुशनूद और वकार ने कहा है, एक और स्ट्रेटजी जो काम करती है हिपोस के साथ, मैं जब मुझे पता होता है कि ये होगा तो मैं एक्चुअली यूजर के 2 या 3 इंटरव्यूज वीडियो पे ले लेता हूँ। व्हेन आई शो द वीडियो, आई डोंट शो द यूआई और यूएक्स। एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, यू कैन आर्ग्यू विद अ कस्टमर। It's really very powerful. और आजकल हम सब वीडियोग्राफर्स हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, they have highest quality. And just a 30 second. और अगेन यूजर से आप कहें, on a scale of 1 to 10, how much have you fallen in love with this? ठीक है? अगर तो कहे 5, obviously you have to go back into the work. लेकिन anything above 8 is pretty awesome. तो ठीक। अच्छा, next सवाल ये है कि अच्छा क्वेश्चन ये है कि हम अर्ली स्टेज हैं अपना एमवीपी बनाने के लिए। 2 दिन पहले मेरे को फाउंडर ने मुझसे पूछा कि थीम और कलर स्कीम क्या होनी चाहिए वेबसाइट के लिए। मैंने उसे कहा तुम फोकस करो फंक्शंस पे और एस्थेटिक्स जो है वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो क्या ये अप्रोच मेरी सही है? तो काशिफ आप जाए इस पर पहले। आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आप अगर किसी चीज को बना रहे हैं तो आप किसी चीज को क्यों बना रहे हैं? आप पहली चीज, कोई भी आप अगर स्टार्टअप, यू आर इनिशिएटिंग स्टार्टअप, आप क्यों बना रहे हैं? आप बना रहे हैं ताकि आप किसी के मसले को सॉल्व करें, राइट? तो मसले को सॉल्व आप कैसे करेंगे? मसले को सॉल्व आप करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी के साथ कि आप बना क्या रहे हैं। सो अगर आप जब चीज को बनाने की बात करते हैं तो थोड़ी देर के लिए अगर एस्थेटिक को बैकफुट पे भी ले जाते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट। आई थिंक बिल्कुल सही करेंगे अगर आप उसको ये कहेंगे भाई सबर कर जाए, क्योंकि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, मुझे जो पैशनेट लोग होते हैं जनरली, मैंने जिस तरह बोला कि वो बहुत एक्साइटेड चीजों को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर अगर आप कोई रियलिटी चेक आपको दे रहा है तो आई थिंक यू शुड बी एक्टिवली लिसनिंग टू द मेंटर्स। को मैं वैसे भी पढ़ रहा था कल स्टार्टअप्स के बारे में, क्योंकि मेरा जनरली I work in telco और वहां पे startups के साथ जल्दी कम interaction हुआ मेरा, तो लेकिन वहां पे मैं ये चीज देख रहा था कि हमारे जो startups हैं उनको बहुत अच्छे mentors दिए जाते हैं, जो specially हमारी facilities हैं incubation की, तो they have really good mentors। और मुझे लगता है कि अगर उन mentors को भी लोग properly connect करना शुरू कर दें, I think they know a thing or two about UX। उसकी details में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको overall जो basic principles है उसके ऊपर बहुत अच्छी guidelines मिल सकती है। So, anyone out there listening to this right now, please, aapko jo bhi incubation ki opportunity milti hai, apne jo mentors hain, unko really listen to them. Unka exposure hota hai, experience hota hai, they can really guide you. Sahi. Theek. Vikar, agar ye sawal aapko kiya jaye, jo bhi maine Kashif se kiya hai, to aapka kya reaction hoga? Well, no harm, both ways. If you have resources, आपके पास टाइम है, आप टाइम ज़ाया करना चाहते हैं, you can do it. मगर अगर प्रैक्टिकल में जाना चाहें तो I will say yes, why not? You are the customer, you have probably आपने कस्टमर को देखा हुआ है. You can website का I have lot of experience. मैं कहूँगा हाँ ठीक है, हम कोई framework use कर लेते हैं and later on we'll just skin it, right? CSS file लेके ऊपर छापा मार दो, that's it. मगर आपको framework में सोचना चाहिए, यहाँ पे user experience तो है ही है, वो बटन खूबसूरत बनाने से यूजर एक्सपीरियंस नहीं है, डिलाइटफुल आता है, एफर्टलेस और सीमलेस नहीं आ रहा।
आपकी एक इक्वेशन कंप्लीट है, दो नहीं है. सो एज एक्सपीरियंस डिजाइनर यू हैव टू बैलेंस ऑल दिस इक्वेशन. स्टेक होल्डर्स, बिजनेस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिसोर्सेज क्या है, आपके एजाइल का कौन सा स्प्रिंट है, क्या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, KPIs हैं ये. मतलब कि फॉर अ स्टार्टअप यस, कंपनी इज स्मॉल, अगर यू वांट टू बर्न मनी ऑन मेकिंग वन बटन ब्यूटीफुल फॉर 3 डेज, प्लीज गो अहेड, मगर आपको कोई फायदा नहीं होगा. तो इसकी अप्रोच प्रैक्टिकल यही है जो स्टार्टअप्स मैंने भी किए हैं, जो दोस्तों के साथ या आगे पीछे ऑफिस में करते रहते हैं, उसमें ये है कि हम फ्रेमवर्क पकड़ते हैं, कोई भी बूटस्ट्रैप पकड़ लेते हैं और उस पर फिर अपना पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं ताकि फंक्शनैलिटी चलती रहे साइट पे, उसको कोई रुकावट ना आए. क्योंकि फंक्शनैलिटी रुक, जितना मर्जी खूबसूरत बटन बड़ा छोटा बनाओ, वो 10 सेकंड का काम है. तो हम फ्रेमवर्क उसको पकड़ लेते हैं और डेवलपर सिंपल सा खोखा बना देता है ताकि वी कैन टेस्ट दीज थिंग्स. प्रोटोटाइपिंग में फोटोशॉप हो गया, स्केच ऐप हो गया, जो भी आपके पास टूल्स हैं, यू कैन जस्ट पुट इट देयर, क्लिकेबल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तस्वीरें लेके आप ऊपर डाल सकते हैं, बटन ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी भी टेस्ट कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ आई थिंक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि यस, यू हैव टू बैलेंस आउट. और आपके पास हजारों फ्रेमवर्क्स हैं टेक्नोलॉजी में, मोबाइल में, जस्ट चीपेस्ट ओपन सोर्स पकड़े उसको और उसको मतलब के लेके जाएं, एंड व्हेन द टाइम इज राइट मेक इट ब्यूटीफुल. अच्छा मुनीब, आपके लिए क्वेश्चन डिफरेंट है. वो इस तरह से डिफरेंट है कि आप इमेजिन करें कि हाइपोथेटिकली मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैं लार्ज कंपनी, लार्ज ब्यूरोक्रेसी, और मेरे दिमाग में आइडिया है, मैंने कहा कि मैं अपनी जाके स्टार्टअप करता हूँ, ठीक है. और इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि लार्ज एंटरप्राइज में हर किस्म के रिसोर्सेज होते हैं. आई हैव नो आइडिया कि ये स्टार्टअप में क्या होगा, तो मैं आपके पास एडवाइस के लिए आता हूँ कि जी मेरा सारा एक्सपीरियंस एंटरप्राइज का है, लेकिन ये मेरा आइडिया बड़ा हॉट है, तो आप मुझे क्या एडवाइस करें कि मैं अपना माइंडसेट जो है वो कैसे उसको मैं सर्जिकली अल्टर करूं ये स्टार्टअप करने के लिए. मेरी बड़ी क्रूड सी वो एक आंसर होगा, लीव योर जॉब एट द कंपनी, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू. यू कैन नॉट हैव द कॉर्पोरेट माइंडसेट एंड जंप इनटू a startup. Agar if you're really serious about it, resign first, be because that will really make you humble first, okay, and then that will make you think out of the resources. Unfortunately mera experience kafi aise logon ke sath hai jo ke corporate high executive hote hue startup karna chahte the and wanted to build a product, but they cannot, you cannot write the boots. So leave your job first if you're really 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 serious about your startup, and then jump into it. और ये मैं किसी negative aspect और किसी को diss करने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर आप वाकई इस चीज के बारे में passionate हैं और इस चीज को execute करना चाहते हैं, आप दोनों चीजें नहीं कर सकते. आपका वो mindset, आपको अपने corporate mindset से निकलना पड़ेगा. एक corporate के पास आपने जिस तरह बहुत ज्यादा resources होते हैं, आप telco की example ले लें, काफी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं. उनके पास billions of dollars हैं, एक बहुत बड़ी user base है, throwing around हर चीज है. स्टार्टअप में यू हैव टू काउंट एवरी पेनी, ठीक है जी. आपको शुरू शुरू के दिनों में तो अगर एम्प्लॉयज को लंच पे भी लेके जाना है तो देखना है कि क्या इस महीने लंच करा सकते हैं या नहीं करा सकते, ठीक है. Where the money needs to go to, right? So to get into that mindset, you need to first have your life around it, right? अगर आपके पास एक हैवी पे चेक ऑफ being an executive at something आ रहा है, and then you're thinking, अच्छा बस इसका 20% portion जो है वो मैं time निकाल के अपना startup कर लूँगा, it won't succeed. And same, and that's why I don't know, मुझे on record कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन that's why I have a big issue with some startups doing incubations, ठीक है, incubators and accelerators. I think it's not their job to do it. They are telcos, they should do innovation and all that, but a startup or startup ki incubation or accelerators jo hai, that's something else. It's a totally different thing, right? So so that's my one tip, one short tip. theek hai khushnood, aapke liye alag se sawal hai. Main dusre extreme pe jata hu. Maine mehnat karke main nast gaya, wahan se maine degree li computer science ki,
और मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया आ गया और मैं इतना श्योर हूँ कि ये तो 100% सक्सीड होगा और यूनिकॉर्न से जो नेक्स्ट नाम है वो होगा और मैं आपसे मिलता हूँ, आप मुझे क्या एडवाइस देंगे? आपसे पूछूंगा कि आप कैसे इतना श्योर हैं कि आपका स्टार्टअप बिलियन डॉलर्स बनाएगा. लाइक आई लाइक टू आस्क यू राइट कि मुझे कल ख्वाब में वही आई थी कि मैं कामयाब हूँ. तो फिर तो मैं इधर बैठा क्या कर रहा हूँ आपके सामने. ले आपको तो यूजर एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है, आपको यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. लेकिन लाइक यू नो ट्रूथ बी टोल्ड, लाइक अगर कोई बंदा ऐसे आता है कि लाइक यू नो मैंने मुझे बहुत एक लाइक रियलिस्टिक सिनेरियो में एक कोई भी स्टार्टअप फाउंडर फॉर एग्जांपल इवन माई सेल्फ, हम लोगों ने जैसे नर्स से ग्रेजुएट होते तो मैंने और मेरे दोस्तों ने एक फेल्ड स्टार्टअप की थी और हम लोगों ने इसी तरह शुरू की थी. बच्चे थे हम लोगों को यही किया था कि बैठे हुए थे तीनों, यार हम क्या बनाए बैठ के, अभी क्या बना सकते हैं. और फिर मैंने सोचा कि चलो ये काम करते हैं, API बनाते हैं जो कि ना वेब डेवलपर्स को PDF प्रिंट करने दे आराम से वेबसाइट्स के. ऑल्दो हमने खुद वो मसला इनकाउंटर किया हुआ था वेबसाइट में कई बार, लेकिन वी डिडंट कंसिडर हजार और चीजें जो कि उसको उस प्रोडक्ट को बनाने में उसकी परफॉर्मेंस में सर्वर्स के. हमने एक और प्रोजेक्ट उसी तरह किया सर्वर स्केलिंग का जो कि आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वैसे भी जिसमें स्टार्टअप्स वो कर रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम यू नो लाइक आपने या तो रिसर्च की होगी या आपके पास डेटा होगा कि मेरे पास ये मार्केट है, मैं ये प्रोडक्ट लेके जाऊँगा इधर अटैक करने के लिए. अगर आपने इतना समझ लिया है कि यार मैंने ना इन लोगों के लिए ये करना है, तो फिर यू आर हाफ वे डन. आप लोग आपने फिर वो समझ गए हो कि आपने करना क्या, आपने स्ट्रैटेजी बना दी है. एंड एज अ लीडर एज अ फाउंडर CEO मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स ऑल यू रियली नीड टू डू, क्योंकि उसके बाद फिर आप या लोग हायर कर सकते हो या आप कॉन्ट्रैक्टर्स को दे सकते हो या कुछ कर सकते हो. लाइक आप एज अ फाउंडर आप मल्टी डिसिप्लिनरी काम जो एक आप कर सकते हो वो यही है कि चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे डिजाइनर हो, चाहे आपका बैकग्राउंड बिजनेस में, आप एटलीस्ट जिस प्रॉब्लम में बिलीव करते हो उसको समझ सकते हो सही तरीके से. अगर आप वाकई किसी प्रॉब्लम में बिलीव करते हो कि यार मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में CD70 जो है वो एक 100 साल से पिछले एक ही डिजाइन चला आ रहा है और मुझे पता है कि बायर बहुत ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी की बाइक्स हैं और बहुत ज्यादा वो है, एंड यू रियली बिलीव यू कैन मेक बेटर बाइक्स इन पाकिस्तान, और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप यूजर्स की जाके रिसर्च करो, आप देखो कि क्या मसले हैं ना. अब पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, आप देखो कि लोग ढूंढ रहे हैं एक्चुअली बैटरीज की प्राइसेस क्या हैं. आपको एक एक चीज पता होगी तब आप जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. वो सब चीज इवन एक डिजाइनर भी आपसे यही जाके पूछेगा. जब आप वो प्रोडक्ट किसी बंदे से बनवाओगे तभी वो आपसे यही स्पेक पूछेगा कि इसको कितनी देर तक चलना है, कितने डिस्टेंस तक चलना है, कितनी एफिशिएंसी पे चलना है, तब जाके आप वो बेचोगे. और अगर आपने वो मार्क हिट नहीं किया जो कि पाकिस्तान उस सोसाइटी को मीट करेगा तो योर प्रोडक्ट विल फेल. लाइक और वो उसमें और फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन द वे यू डिजाइन द प्रोडक्ट टू एड्रेस द प्रॉब्लम इट्स द कोर ऑफ इट राइट. आपने वो बनाए ही सही नहीं है तो फिर बाकी तो कहानी खत्म. ठीक ठीक. अच्छा अब थोड़ा सा मैं कुछ अनयूजुअल चीज करने वाला हूँ, वो ये कि आप चारों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक तो मैं सवाल पूछता रहा था और कुछ सवालों ने आपको अनकंफर्टेबल किया था, अब आपकी बारी है, आप एक करके मुझसे कोई सवाल पूछें. तो मुनीब आप पहले मुझसे कोई सवाल किसी भी डायमेंशन में. मैं थोड़ा सा Q&A भी लोगों का देख रहा था तो मैं इस तरह का पूछ लेता हूँ कि आपके आपके मुताबिक एक यूजर का लाइफ साइकिल जर्नी बनाना अगर किसी स्टार्टअप में कि मेरा यूजर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस पॉइंट पे मैं उसे पैसे निकलवा सकता हूँ, कब मैं अपनी प्रोडक्ट को फ्रीमियम रखूँ, कब मैं पे कर सकूँ, तो वही सारी चीज़ें हाउ कैन दे इनकैप्सुलेट एवरीथिंग एंड देन गो टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस थिंग. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट प्री थिंग. किसी को आप क्या एडवाइस करेंगे कि अगर उसके पास आइडिया है वो अपनी पूरी यूजर जर्नी और अपने यूजर को किस तरह मैप आउट करें. ठीक. अगर कोई अक्सर स्टार्टअप कहते हैं जी आप मुझे सैम और टैम बताएं, ठीक है, मैं उनसे कहता हूं लिटरली यू आर स्मोकिंग द रॉन्ग जॉइंट. पहला टास्क आपने ये करना है कि आपने वायर फ्रेम बना के उसको जो आपके ख्याल में टारगेट यूजर हैं उनको जाके दिखाएं तो सही, और इंस्ट्रक्शंस नहीं दें उन्हें कि क्या चीज है. ठीक है, अगर उसमें आपको ट्रैक्शन मिल रही है तो आपका नेक्स्ट गोल है अडॉप्शन. Has nothing to do with SAM and TAM.
आपने हॉकी स्टिक कर्व को टारगेट करना है, ठीक है, और उसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं फेसबुक एंड गूगल एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये जो फाइनेंशियल्स जो आ जाते हैं अर्ली और ये जो बिजनेस मॉडल है, इट्स ऑल फेक। जब यूजर अडॉप्शन ये, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। तो ये इनफैक्ट ये चीज जो होती है, इट हैपेंस एवरी सिंगल डे। तो दैट्स माय पर्सनल व्यू एंड आई एम श्योर देयर आर डिफरेंट व्यूज। कलीम इज वेरी अनकंफर्टेबल क्योंकि ये मार्केट साइजिंग वगैरह कराते। आई जस्ट डोंट बिलीव इन इट। द जॉब ऑफ अ स्टार्टअप इज टू गेट अडॉप्शन। Yeah. Once you have adoption, you can figure out whether it's freemium, premium, or whatever. But if you have no adoption, you can do all the theoretical exercises because Excel is very easy to do and it looks beautiful. Is it real? Absolutely not. So, Kashif, aap mujhse poochhein sawal jo mujhe paseene dilwaye. सर आपको पसीना बड़ी मुश्किल से ही आएगा लेकिन सवाल ये है कि अगर हम आजकल का दौर देखें तो आजकल गूगल एनालिटिक्स ने चीजों को बहुत ही आई थिंक इम्प्रूव कर दिया है। मेरी नजर में गूगल एनालिटिक्स इज अ वंडरफुल टूल। तो जिस तरह अभी आपने कहा कि एज अ स्टार्टअप जब आप शुरू करते हैं तो यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन अडॉप्शन और आप इसको एक्विजिशन भी बोल सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स में जो अगले दो जो मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं वो होती हैं बिहेवियर की और एंड में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन इज अबाउट गोल्स, राइट? सो मेरा आपसे सवाल है कि हाउ मेनी लाइक आपके विद योर एक्सपीरियंस आपने कितने लोगों को कन्वर्जन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देखा है, नॉट ओनली ऑन अडॉप्शन बट ऑल्सो ऑन कन्वर्जन? मेरा सबसे पहले सवाल, अगर जैसे करंट बैच में किसी की ऑलरेडी वेबसाइट है अप एंड रनिंग, तो मेरा पहला सवाल उससे ये था कि एनालिटिक्स हुकअप किए हुए कि हाँ, मैंने कहा कौन से किए हुए? तो कहने लगा जी वो आई वाजंट श्योर। मैंने कहा वो गूगल एनालिटिक्स फ्री है और बाय द वे एक दफा हुकअप कर लो तो उस पर सबसे पहले एक फनल को देखो जाके कि कन्वर्जन क्या हो रही है, क्योंकि स्टार्टअप में ये है, इट्स नॉट अबाउट द रेवेन्यू, इट्स अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। So that's just my personal opinion. लेकिन आपके मेरा पहला सवाल ये होता है किसी का कि आपके गूगल एनालिटिक्स आपको क्या बता रहे हैं एंड वेयर आर यू फोकस्ड। लेकिन एज अ डिजाइनर आई थिंक अगर आपके वैसे जनरली मेरा जितने डिजाइनर से वास्ता पड़ा हुआ है, आई थिंक डिजाइनर्स जनरली नंबर से भी बहुत ज्यादा होते नहीं है। अब आई थिंक द पैनल हैव कैन हैव देयर ओपिनियन, लेकिन मैंने चित्रों को देखा है ना तो वो क्वालिटेटिव में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जो क्वांटिटेटिव चीज आ रही होती है, एनालिटिक्स जो आ रही होती है, जनरली इतने ज्यादा उसको एंजॉय नहीं करते। और आई थिंक मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने भी बात की कि रेवेन्यू फोकस होता है, राइट, स्टार्टअप का। मुझे लगता है रेवेन्यू से ज्यादा कस्टमर फोकस इस सेंस में होता है कि अगर आपने कहीं पे जाना है कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, कहीं पे भी आपने अपने नंबर्स दिखाने हैं, तो वहां पे आपके कन्वर्जन्स आई थिंक बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि आपके टोटल कस्टमर कितने आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे और कितनी कन्वर्जन्स हैं उनकी, कितना रिपीट यूजेज आ रहा है वहां से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो विकार अब आपकी बारी, आप मुझसे सवाल पूछें। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया था ना पहले, मैं उस वही आपको दोबारा क्वेश्चन करूंगा आपकी तरफ। पहले उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके कि इफ यू हैव 1 million रुपीज और 10 million रुपीज, you have a CTO, or I've been through a lot of times through this scenario that money is in front of you on the table. So maine apna experience mein ye cheez seekhi hai, koi startup ho, koi idea ho, and it started almost 10 years ago when I was working with different companies and different group of people. Humne ye hai, main just maine kya, I work with the very head of Nokia and Microsoft guys and everything. To unse yehi lesson sikha gaya ki you decide what type of problem you're solving. आप किस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, किस किस्म की स्टार्टअप करने जा रहे हैं। तो उसमें दो क्लासिफिकेशंस
मतलब कि बार बार नजर आई हैं, जैसे हम आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट में, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू रीड, एनी अटेंडी कैन गो ऑनलाइन एंड सर्च. एक स्टार्टअप होती है उसे कहते हैं पेन किलर, और दूसरी स्टार्टअप होती है उसे कहते हैं वाइटामिन. हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस वाइटामिन्स हैं, कुछ पेन किलर हैं. वाइटामिन्स ऐसी हैं जो हम हर रोज 10 बार यूज करते हैं, 5 बार यूज करते हैं, जस्ट लाइक ए वाइटामिन ए बी सी इन अवर किचन. और हमने खोला वाइटामिन सी, खाई, ठीक है, गए, क्विक मनी, लाइक बुक मार्क सिंक, आई पे 99 सेंट एंड मेक क्विक मनी एंड बट क्वान्टिटी इज बिग एंड आई कैन कुलरेट दैट एग्जाम्पल विद इट. दूसरी आती है साइड पे पेन किलर. हम लगे रहते हैं 2 साल स्टार्टअप्स में, आइडियाज बनाते रहते हैं, यार कोई कस्टमर आएगा तो उसको हम बेचेंगे, ठीक है, वो पेन किलर, उसमें आपकी जान निकलती है, आपको पैसे चाहिए, उसमें आपको नीड टू हैव है, मतलब कि आप मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि यार किसी चीज का KPIs है उसके अंदर, बड़े कॉम्प्लेक्स आप टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप करने जा रहे हैं. तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ विल यू डिसाइड which is a painkiller and which vitamin and which should I choose? Interesting. Achha, main isme thoda sa, main na to UI designer hu, na to UX designer hu. That's number one. I didn't tell you that intentionally. Main problem. Lekin I, reasonable knowledge hai, lekin agar main aapka sawal samajhne ki koshish karun ke aapne वाइटामिन्स बनानी है जिससे लोग क्योर हों, या आपने एक पेन किलर बनानी है जिससे बहुत ही इंटेंस किस्म की सिचुएशन आप उसको सॉल्व करें, लेट्स से यू हैव अनलिमिटेड मनी ऑन द टेबल एंड यू हैव टू राइट, सो हाउ यू गोना सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर द स्टेक होल्डर्स. मेरी जो अप्रोच होती है रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉब्लम आई एम हैंडलिंग स्टार्ट्स विद द यूजर एंड द यूजर रिसर्च. अगर मेरे काम पे एक फ्रेश सिचुएशन है कि एक इंटरनल टीम है तो वो 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर वो नई चीज बनाकर कस्टमर को बेचना चाह रहे हैं, तो वो आए मेरे पास कि हमें ये हेल्प चाहिए. तो मैंने कहा बाय द वे इसमें कस्टमर कहाँ है, कि नहीं नहीं हमें कस्टमर की प्रॉब्लम पता है. मैंने कहा वो कैसे पता है, कि हमें उनके वर्टिकल्स के बारे में पता है. तो मैंने कहा आर यू श्योर, कहते हाँ. तो मैंने कहा तुमने मुझे बताया कि तुम नया एक्सपीरियंस बता रहे हो, बना रहे हो, हैव यू टॉक्ड टू द कस्टमर, हमें कुछ बना के उनके पास जाना चाहिए. तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बड़ा ब्लंट हूँ, आई एम गोना बी वेरी ब्लंट, इफ यू डोंट हैव द यूजर इन द रूम, I know you're not going to listen and you're going to burn $7 million putting something together that's going to have a very low adoption. Theek hai? Aur unko maine bhej diya, maine kaha find somebody else to do it. To finally unko 3-4 jagah se joote pade, uske baad wo aaye ke hum ab taiyar hain, aap bataye ki kitne users chahiye, kitna time chahiye, kitni user research chahiye. To it's again something, especially in the corporate world, ye hota hai ki kisi ke dimag mein hot idea aaya to wo bajaye usko user research karne ki bajaye let's just build it, wo khushnood aur mareeb jaise bande ko pakde bana do bas isko, theek hai. And this is the biggest reason ke corporate innovation sucks, kyunki problem ye hai ki they are not in a listening mode. Number one, there is no sense of empathy for the end user. I see it every day. So coming back to Vakar, aapki question pe, agar unlimited money hai, main to painkiller banaunga because it's more fun. Paise ki fikar nahi hai, chahe mujhe 3 saal research lage. Aur ye jo principle hai, ye uska hai, kya naam hai? Usne 0 to 1 likhi hai jo kitab, Peter Thiel. Peter Thiel is in the business of creating painkillers, which is 10x problems. So agar paise unlimited hai, I will definitely painkiller. Khushnood, aap mujhse sawal poochhe kyunki we are running out of time. So yeah, absolutely, sure. Mera question I guess like thoda sa zyada empathetic hoga just for the audience.
कि यू नो बीइंग समवन इन पाकिस्तान और यंगस्टर इन पाकिस्तान ग्रोइंग अप टुडे और आपने मेरे ख्याल से आपके इर्द गिर्द भी बहुत ज्यादा लोग होंगे जो साथ में इन टच हैं व्हाट वुड यू डू इफ यू वांटेड टू रियली मेक अ करियर आउट ऑफ डिजाइन या व्हाट लाइक व्हाट वुड यू डू इफ फॉर एग्जांपल आप अभी एफएससी से ग्रेजुएट हो रहे होते तो व्हाट वुड यू हैव डन इन पाकिस्तान के जैसे आपके या तो सही चॉइसेस आपको पता चलती या पाकिस्तान में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे इन लोगों को या यंगस्टर्स को या इवन जैसे मेरे मैं फॉर एग्जांपल जब डिजाइन को कंसिडर कर रहा था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि यार तुम एनसीए जाके क्या करोगे लाइक या तुम टीचर बनोगे या पेंटर बनोगे और पेंटर तब भी बनोगे जब तुम कुछ कर सकोगे लाइक या तो वो बनोगे लाइक देयर इज नो करियर ऑप्शन वो नहीं थी मेरे हिसाब से अवेयरनेस नहीं थी व्हाट हैव यू सीन एंड हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है एंड वेरी क्वेश्चनेबल डिबेटेबल कि इस वक्त दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है और फ्री है सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट होगी जो भी इस सिचुएशन में है कि डोंट गो टू अ स्कूल लर्न ऑन योर ओन अगर आपके पास इतना डिसिप्लिन नहीं है टू लर्न ऑन योर ओन You're not going to make it. अगर curiosity नहीं है, thirst नहीं है, information available है, क्योंकि COVID-19 ने जो सबसे बड़ी disruption की है, 150-year-old education model just got blown up. मैं दोबारा repeat करता हूँ, ये जो Ivy League school, state school, they're all blown up. This is going to be very different. और वो जो मैसिव ऑनलाइन लर्निंग है इट वाज ऑलरेडी देयर बट गेस व्हाट मैसिव ऑनलाइन लर्निंग हैज जस्ट गॉन थ्रू द रूफ एंड इट कॉस्ट जीरो मनी तो लर्निंग के लिहाज से जो लोग डिजाइन में जाना चाहते हैं आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है आप ऑन योर ओन लर्न करें जब आपको एक किस्म का सेंस आ जाए कि ये चीज है देन लुक फॉर मेंटर्स लाइक यू लेकिन मेरी गाइडेंस ये है कि अगर आप मेंटर को ढूंढ रहे हैं So don't expect the mentor is going to do this for free. Because aap sab logon ka time valuable hai. You have to give something back to them. It could be as simple as ke Kashif ne help ki hai, 30 minute na ki guidance di hai. Theek hai? Agar aapko wo cheez samajh aa gayi hai, do that thing in 3 days and go back to Kashif and say, Kashif bhai, ye aap khayal mein kya hai? To Kashif ko satisfaction mile ki yaar is bande ne na sirf baat suni, but actually kaam bhi kiya hai. Because that is what the mentor is looking for. वो पैसे नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि जो हम आपसे कहते हैं, आपने किया है कि नहीं है। तो दो चीजें, information is free. अगर किसी को सीखना है, you can do it on your own. उसको fine tune करने के लिए find a coach or a mentor, but make sure you do what the mentor and coach is saying. तो इसके साथ I think मेरी सब सामईन दरख्वास्त है आपके सब सवालों का जवाब नहीं है नहीं दे सकें तो आप इस तरह करें कि NIC के पेज पे ये जब वीडियो ऑलरेडी लोड होगा तो वहाँ जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम में से कोई ना कोई वहाँ जाके आपको जवाब दे देगा मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इस पैनल को ज़रा दोबारा सुने क्योंकि आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं दे आर कंप्लीटली ऑफ टॉपिक तो टाइम हमारा वेस्ट नहीं करें टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लें सुने उसको दोबारा कि इन एक्सपर्ट्स ने आपसे क्या कहा है और उसके बाद उसके अप्रोप्रिएटली सवाल पूछें तो इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा NIC लाहौर फैसल शेरजान कलीम उमर एंड मारिया आप सब लोगों का और आखिर में काशिफ खुशनूद विकार और मुनीब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम वैल्यूबल है आप लोगों के लिए भी आपने इसको टाइम निकाला मेरे ख्याल में आपके जो सारी बातें हैं दे वर राइट ऑन द मार्क और बाय द वे सामईन के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी आई कैन टेल यू दिस जो आपने इन लोगों से सुना है तो इसके साथ रमजान मुबारक लेकिन फातिहा पढ़ने नहीं भूलिएगा जो डॉक्टर शाहिद की फैमिली में जिनका इंतकाल हो गया इसके साथ अल्लाह हाफिज फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज मैं इसमें एक छोटा सा नोट शायद सब ऐड बस कर दूं
सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी. जैसे कि आपने कहा इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा, दैट इज सो ट्रू. तीन लोग इस पैनल में ऐसे जिनका आधी रात का तकरीबन वक्त हो गया, सो मैं आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हूँ. और स्पेशली विकार को मैंने सुबह मेरे ख्याल में 8 बजे मैसेज किया था कि डॉक्टर सुलेमान की इस तरह से फैमिली में डेथ हुई है, इफ यू कैन मेक इट टू दिस पैनल एंड ही एग्रीड, सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर अग्रीइंग ऑन सच शॉर्ट नोटिस. ये सब की जो 5 लोग हैं, 2 लोग अपने वर्किंग आवर को वर्किंग आवर्स में बैठे हुए, 3 लोग आधी रात में बैठे हुए, आपको जो डिफरेंट चीजें बता रहे हैं, आई होप कि आप इसको इस लर्निंग्स को अप्लाई करेंगे. जस्ट इन केस इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूजर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, we have got one panel on customer experience tomorrow to answer some basic questions ki customer acquisition cost kya hoti hai, lifetime value kya hoti hai, community kyun banani chahiye, retention rate kyun zaruri hai. So we have got 4 or 5 people there jo ki aap kehne ki different sectors se hain, head of customer experience hai Uber ke, Swivel ke, Youfone ki, Food Panda se aur yevo.com se. To aap kehne ki bada acha aur interesting panel hai. Thank you very much, Shahid Saab. Once again, thank you so much, Khushnood, Muneeb, Kashif, and Vikar Saab for coming, Ji. Inshallah, I'll see you guys, audience, tomorrow. Thank you. Thank you, Amaji. Assalamualaikum.